Hi guys and welcome back to Happy Neuro by Reshma Giri. So guys, आज का जो फ्लैट का टूर है, it will be a 2 BHK and this 2 BHK is very compact flat actually. And compact इसलिए because ये 450 square feet का है and you can see in the video कि ये चीजों को किस तरीके से manage किया गया है यहाँ पे. So basically compact houses का एक चीज होता है जो आपको बहुत clearly mind में रखना होता है कि you cannot play with lot of color elements obviously and you should not play with so much of paneling so that वो काफी ज़्यादा घर को और ज़्यादा you know compact look दे दे या फिर shrinkenize करते. So ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे रखी है and obviously client के through भी हमें काफी properly अच्छे से brief मिला हुआ था कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए. But obviously एक space को दिमाग में रखते हुए चीज़ों को organize करना ही challenging part होता है. जैसे आप देखोगे यहाँ पे किचन की साइज जो है वो बेसिकली हमने देखी है जो कि 6 फिट बाय 7 फिट की है. सो इट इज़ अ क्वाइट स्मॉल किचन बट ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट किचन है एक्चुअली. मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये स्मॉल है बट उसको उस तरीके से प्लान आउट किया हुआ है विद द कलर कॉम्बिनेशन. इट लुक्स वेरी नाइस एंड द किड्स बेटर फॉर लाइक टॉक अबाउट द किड्स बेडरूम का भी जो साइज है वो भी आप फ्लोर प्लान में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिया हुआ है एंड मास्टर बेडरूम टू. बट चीज़ों को ब्रीफ के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि इमेजेस में काफ़ी अलग तरीके से प्लान आउट किया हुआ है स्पेसेस को सो दैट वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट लुक नहीं दे. एंड यहाँ पे हमने बेसिकली जब स्टार्ट किया था तो टाइल चेंज का भी डिसीजन लिया था बिकॉज टाइल का कलर थोड़ा सा डल हो रहा था घर के थीम एंड ऑल के हिसाब से जब हमें जाना था. सो वी हैव चेंज द टाइल ऑल्सो जो आप वीडियो में देख सकोगे. एंड एक जो बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा था यहाँ पे मंदिर का बेसिकली सो वी हैव प्लान्ड अ टेम्पल एंड इट इज नॉट काइंड ऑफ टिपिकल टेम्पल. ये टेम्पल काफी डिफरेंट है कंपेरिजन टू अदर टेम्पल्स बिकॉज यहाँ पे हमने एक्चुअली में एल्बेस्टर शीट यूज किया हुआ है विच क्रिएट अ वेरी गुड लुक. प्रीवियसली इन द 3D इमेज यू कैन सी द एल्बेस्टर शीट वॉज डिफरेंट कलर थोड़ा सा डिफरेंट लिया हुआ था बट क्लाइंट की जो ब्रीफिंग थी उस हिसाब से वी वेंट विद अनदर कलर शीट है एंड उसका भी मैं आपको सिलेक्शन का जो इमेज है वो शेयर कर दे रही हूँ सो दैट यू कैन सी कि हाउ इट वॉज. एंड इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन आते हैं. सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग जहाँ पे आप ऑनेक्स मार्बल में नहीं जा सकते हो सो यू कैन सी इफ योर मनी एंड यू कैन गो विद द एल्बेस्टर बिकॉज एल्बेस्टर कंपेरिजन ऑफ ऑनेक्स मार्बल काफ़ी डिफरेंट रेट में आपको मिल जाता है. एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. एंड में भी आप वीडियो देखोगे और वो वीडियो कैसा जा रहा है और कैसा आपको पसंद आया है डू लेट मी नो. क्लाइंट का पहले से ही बहुत क्लियर था कि उनको पूरा घर का जो थीम है वो बेसिकली वाइट और गोल्ड के साथ ही जाना था और थोड़ा बहुत कलर एलिमेंट ऐड ऑन करना था. सो इसलिए डोर का भी जो डिज़ाइन है हमने वो वाइट कलर में लिया हुआ है. सो जैसे मैंने आपको मेरे पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि डोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर हम कार्विंग में जाना चाहते हैं टी कोड में उसमें जा सकते हैं MDF में जाना चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं. तो बेसिकली ये वाला जो डोर है ये पूरा MDF कार्विंग डोर है और इसके ऊपर प्यू का पेंट हुआ हुआ है. प्यू ग्लॉसी पेंट रखा हुआ है हमने यहाँ पे. एंड इसके साथ जो ये लॉक आप देख रहे हो इट इज़ अ प्योरली दिस टच स्क्रीन लॉक जिसके अंदर आपको 3 से 4 वेराइटीज मिल जाती है. लाइक यू कैन यूज़ योर कार्ड, यू कैन यूज़ योर की, यू कैन यूज़ योर पासवर्ड एंड यू कैन यूज़ योर मैकेनिकल की ऑल्सो लाइक कंप्यूटर कीज. सो 3 to 4 थिंग्स हैं. प्लस इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो इज़ दैट कि इफ समबडी इज़ लाइक बेलिंग द हाउस फ्रॉम आउटसाइड सो आप इसमें स्क्रीन में वो इंसान को बाहर देख सकते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा है कि बेल के साथ ही आपको वीडियो डोर फोन भी मिल जा रहा है. अदरवाइज इसके लिए ऑब्वियसली आपको वीडियो डोर फोन अलग से लगाना पड़ता था. सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द डोर.
और यहाँ पे इनको एक पर्टिकुलर निश एरिया मिला था जिसको वी हैव प्लानेड टू कीप कीज एंड ऑल, तो ये एरिया भी हमने उस तरीके से हाईलाइट कर लिया है। एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हो दिस जो भी स्विचेस सॉकेट्स वगैरह, ये सारे गोल्ड मेडल के एयर मॉडल यूज किया हुआ है विच विल बी टच स्क्रीन और टच के साथ ही ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके जो भी बटन वगैरह है दैट यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन इटसेल्फ ओनली। सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग कि आपके घर में आप थोड़ा सा चीजें जो है थोड़ा सा यू नो स्टाइलिश रखना चाहते हो, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। सो यू कैन ऑल्सो ऑपरेटेड योर लाइट, योर फैन, एवरीथिंग फ्रॉम द फोन। जैसे मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, यू कैन जस्ट राइट डाउन द नेम्स वेर एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन, लाइक फॉर द फैन, फॉर द स्विचेस। सो जैसे यहाँ पे जैसे झूमर, सो अभी मैं देखूंगी झूमर का, अगर मैं बंद करती हूँ तो यू कैन सी झूमर का जो लाइट है वो बंद हो गया है, एंड इफ आई ऑन तो झूमर का जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे क्लाइंट के थ्रू एक था कि उनको टाइलिंग जो है वो थोड़ा सा मैट फिनिश है, बिकॉज सी मैट में कैसा होता है कि आपके पैरों को काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है, इट गिव अ प्रॉपर ग्रिप एंड इट गिव अ लिटिल यू नो सॉफ्टनेस टू योर फीट। सो दैट इज़ वाई वी हैव प्लान्ड अ मैट टाइल यो। एंड आप पहले के इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमने सेम टेक्निक यूज़ की है, टाइल के ऊपर ही टाइल इंस्टॉल की है, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ एन नॉस्टैल्जिक प्रॉपर्टी एंड माइवन टेक्नोलॉजी में बनाई हुई प्रॉपर्टी है। तो यहाँ की जो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी दैट वॉज रियली गुड, एंड टाइल भी हमारा काफ़ी अच्छा ही था, बट इट जस्ट दैट हमें थोड़ा सा लुक चेंज करना था, दैट इज़ वाई वी हैव प्लान दिस मार्क टाइल फिनिश। एंड मार्क टाइल के अंदर आप देख सकते हो हल्का हल्का थोड़ा सा इसके अंदर एक कार्विंग का शाइन होगा, बिकॉज ये टाइल के अंदर इंटरनल कार्विंग है जो लाइट्स के अंदर थोड़ा सा शिमर होता है। यहाँ पे हमने एक ओपन टेम्पल प्लान आउट किया हुआ है एक्चुअली। इसका बैकग्राउंड बात करूँ तो यहाँ पे हमने जो शीट यूज़ की है दैट इज एल्बेस्टर शीट। एल्बेस्टर इज अ काइंड ऑफ स्टोन जो आपको जो भी हमारा इटालियन ऑनेक्स मटेरियल होता है जहाँ से आपके लाइट ट्रांसमिटेड होती है, काइंड ऑफ दैट मटेरियल ही होता है जो एल्बेस्टर आता है। यहाँ पे हमने 600 का एल्बेस्टर यूज़ किया है विच विल गिव यू अ लुक लाइक अ ऑनेक्स मार्बल। सो ये बंद होने पे कैसा दिखता है, शो यू दैट। बंद होने पे इसका व्यू जो है कुछ इस तरीके से आता है, यू कैन सी इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, बट थैंक्स फॉर दैट सेड यू कि हमें यहाँ पे वाइट गोल के साथ ही जाना था, और जो भी थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंदर कलर प्ले आउट करना था, दैट इज दैट वी हैव सिलेक्टेड अ पिच अ ब्लू, थोड़ा सा लाइवनेस चाहिए था इस घर के अंदर, सो वी हैव डिसाइडेड दैट कलर ऑप्शंस फॉर दिस। नाउ दिस इज द लिविंग सेक्शन जहाँ पे ये टीवी यूनिट का जो पैनलिंग है, यहाँ पे भी इनकी यूनिट एंड आर्टिफैक्ट्स वगैरह के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। ये हमने जो है गोल्डन राफ्टर्स यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, मिनिमल जो गोल्डन फ्लूटेड राफ्टर्स आते हैं आजकल मार्केट में उससे हाईलाइट किया हुआ है इसे। एंड टीवी का जो बैक वॉल पैनलिंग है दैट इज़ अ एक्रेलिक शीट जिसके अंदर हल्के से गोल्डन कलर के वेन्स आए हुए हैं एंड गोल्डन ब्रास पट्टी के साथ इसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉल। ये वाला जो वॉल है इसे भी हमने प्यू में ही पेंट किया हुआ है, हालांकि एक ग्लॉसी ही पेंट है, एंड इसके अंदर थोड़ा सा जो है गोल्डन कलर से हमने हाईलाइट्स किया हुआ है लाइनिंग्स को। एंड उसी के साथ ये वाला जो डोर कनेक्टेड आप देख रहे हो इट इज़ अ बेसिकली स्लाइडिंग डोर जिसका ग्लिम्स आप लोगों ने इंस्टा पे देखा हुआ है, सो दैट यहाँ का जो लिविंग या एयर कूलिंग है दैट शुड नॉट पास इन दैट साइड एंड इट विल बी यू नो क्विकली वो कूलिंग हो जाता है बिकॉज आपको एक इंडिविजुअल पार्टीशन मिल जाता है एंड यू गेट योर ऑल प्राइवेसी ऑल्सो टुवर्ड्स किचन एंड द बेडरूम पार्ट। सो दैट्स वाई योर इट इज अ स्लाइडिंग एंड इसके बैक में जो है जस्ट अ टेक्सचर वॉल पेपर टू हाईलाइट सो दैट इट शुड लुक अ वेरी सिमिलर टू। ये वाली जो वॉल है ये स्पेशली जो है डाइनिंग के लिए वॉल रखी हुई थी, बट ऑलरेडी यू कैन सी कि लिविंग एरिया जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सो दैट्स वाई वी हैव नॉट प्लान्ड डाइनिंग सेक्शन हियर। अभी वो कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल जो है हमें मिला नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज़ वाई फिलहाल यहाँ पे एक नॉर्मल जो है एसएम चेयर जो सोफे के साथ हम वॉश कर सकें उसी से हाईलाइट किया गया है एंड उसी के अगेंस्ट हमने लाइट्स को जो हाईलाइट है उस तरीके से किया हुआ है। एंड दिस वॉल इज ऑल्सो अ प्योर पेंट एंड यहाँ पे भी वो ग्लॉसी फिनिश ही यूज़ किया हुआ है जो थोड़ा सा ग्लॉसी और हल्का सा मैट फिनिश लुक दे रहा है विद अ बेवलिंग मिरर। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेवलिंग मिरर सो यू कैन प्लान इन दिस सच वे आप एंट्री ऑफ अ बेवलिंग मिरर का पैनलिंग जो है टुगेदर ही एक्सप्लोर कर सकते हो साथ में, विच विल गिव अ डेफिनेटली अ वेरी गुड लुक टू योर हाउस। नाउ द लिविंग पार्ट इज कंप्लीटेड, नाउ आई विल टेक यू टू द किचन जिसका पार्टीशन के बारे में आपसे बताया। सो यहाँ
यहाँ से ही किचन और दो बेडरूम स्टार्ट होता है। एंड जैसे आप सेट कि अगर आप भी आपके लिविंग और किचन में पार्टीशन प्लान आउट कर रहे हो, सो यू कैन प्लान आउट इन सच अ वे सो दैट व्हेनेवर द पार्टीशन इज क्लोजिंग, तो उसका जो भी लुक है वो यहाँ के पैसेज के लुक के साथ सिमिलर होना चाहिए। सो एज यू कैन सी द साइड, ये इनका किचन वाला एरिया है। यहाँ पे एक वॉल थी जिसको हमने डिमोलिश किया बिकॉज इट वॉज अ ब्रेक वॉल, एंड यहाँ पे वी हैव प्लान अ स्मॉल बार सेक्शन, अ स्मॉल क्रॉकरी यूनिट काइंड ऑफ स्टफ, जहाँ पे इनका जो ये वाला एरिया है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। एंड ये एक पार्टीशन भी दे रहा है उनको किचन के प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली नहीं विजिबल होने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ही उनका ये कंटिन्यूएशन में वर्किंग प्लेटफॉर्म है। सो जब हम किचन में आते हैं, सो किचन में यू कैन सी द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने स्प्लैश लुक में लिया हुआ है, लाइक द प्लेटफॉर्म एंड द बैकग्राउंड बोथ आर वेरी सिमिलर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्लैश लुक। एंड स्प्लैश लुक जब भी आप प्लान आउट करते हो तो उसमें आप जो भी आगे की पट्टी होती है जिसको एक्चुअली फेसिया पट्टी बोली जाती है, वो आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो स्प्लैश लुक और ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर हमने उसी तरीके से उसे प्लान आउट किया हुआ है। किचन अगेन यहाँ पे पूरा एक्रेलिक फिनिश में है, एंड एक्रेलिक फिनिश में यहाँ पे रोजवुड हैंगर्स के साथ हाईलाइट किया हुआ है कैबिनेट्स को, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए हम जितने अच्छे से सारे चीज़ों को अक्यूमुलेट कर सकते थे, सारे कैबिनेट्स को प्रोवाइड कर सकते थे, उस तरीके से उसे यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट इनकी सारी चीज़ें जो है उसी तरीके से फिक्स हो सके। अगेन इफ यू सी दिस एरिया, तो यहाँ पे भी अगेन उनका जो है यहाँ से बालकनी का डेप्थ आ गया था, एंड बालकनी वाले एरिया को भी हमने जो है लेवलिंग कर ली, सो दैट यू कैन सी थोड़ा सा जो है किचन के अंदर एक स्पेस बड़ा दिख रहा है और हाईलाइट कर सक रहे हैं, और ये वाले एरिया को हम और अच्छे से यूटिलाइज कर सक रहे हैं। सो यहाँ पे इनका प्रॉपर एक वॉशिंग मशीन का स्पेस है, उसके ऊपर जो भी इनका पाइपिंग का सेक्शन आ रहा था ये वाले साइड पे, यहाँ पे हमने उसे पैकिंग करके स्टोरेज दे दिया है ओवन के लिए एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो ये एरिया उस तरीके से यूटिलाइज हो गई है। यहाँ पे उनका प्रॉपर पाइप पैकिंग के बाद जो थोड़ा सा स्पेस बच रहा था, तो जो भी हम झाड़ू ये सब रखते हैं उसके लिए एक स्पेस मिल गया है। एंड यहाँ पे पाइपिंग के पीछे वाला जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पे एज अ वाटर फिल्टर के लिए स्पेस दे दिया हुआ है, तो सिंक वाला एरिया जो है छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पे एक डिफरेंट स्टेप मिल गया है। इस मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, सो दैट स्पेस हर एक चीज को हम अच्छे से यू नो यूज़ कर सके, बिकॉज एज यू हैव सीन द फ्लोर प्लान की इसका जो प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सो वी हैव टू प्लान एज पर दैट कि वो बनने के बाद भी चीज़ें छोटी ना दिखे। तो यहाँ पे जो वॉकिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो हमने सिंक यूज किया है दैट इज ऑल्सो इन द रोजवुड कलर शेड, एंड ये वाला प्लेटफॉर्म जो है दैट इज ऑल्सो इन द स्प्लैश लुक, एंड यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह जो उसी तरीके से प्लान आउट किया हुआ है। सो दिस इज अबाउट अ किचन, डू लेट मी नो, ये मेरा बहुत फेवरेट किचन है बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल एंड क्यूट किचन, यू कैन सी द इमेजेस कितना क्यूट लगता है ये। एंड यहाँ पे इनका रेफ्रिजरेटर प्लान आउट किया हुआ है, बिकॉज आई सेड कि इनका जो फ्रिज है वो एक्चुअली साइज में बड़ा हो गया है, जब भी हमने प्लान आउट किया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं गया था, बट ये जो है एक ग्लास फिनिश में फ्रिज है, तो दैट इज वाई ये इस तरीके से रखा, तो इट इज़ लुकिंग गुड, कोई बुरा नहीं लग रहा है, इट इज़ ऑल्सो गिविंग अ काइंड ऑफ पार्टीशन टूवर्ड्स अ वर्किंग प्लेटफॉर्म कि जो भी काम करा तो विल नॉट बी अ विजिबल। सो दिस इज अबाउट द किचन, नाउ आई विल टेक यू टू द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम भी प्रॉपरली वाइट और सिर्फ एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे बॉटल ग्रीन शेड यूज़ किया हुआ है। सो बेसिकली ये वाला जो बेडरूम है इसका जो कि बेड है इट इज़ अ फैब्रिक बेड, एंड फैब्रिक बेड के साथ ही यहाँ पे जो है हमने आर्च में हाईलाइट किया हुआ है हेडबोर्ड को, एंड उसी के साथ यहाँ पे एक साइड टेबल लिया हुआ है जहाँ पे उनका जो भी आर्टिफैक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं उसे हाईलाइट किया हुआ है, बिकॉज दे वॉन्टेड एक स्पेस जहाँ पे वो चीज़ों को हाईलाइट कर सके। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पेस, ये जो बेडरूम का साइज है एक्चुअली यू कैन सी द फ्लोर प्लान का साइज दिख रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे जो बेड है एक्चुअली थोड़ा 6 फीट बाय 6.5 फीट का बनाया हुआ है, बट उसके बाद भी कैन सी वॉक अराउंड डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। एंड व्हेनेवर आई से कि आप बेडरूम प्लान आउट करें तो वाई वी शुड गो विद द ऑल्डो लैमिनेट चेंज इन, बिकॉज वो कैसा है एक पर्टिकुलर थीम के हिसाब से चीज़ें जाता है, बिकॉज यू कैन सी व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर बेडरूम, डोर बंद होने के बाद भी यहाँ पे जो भी वार्डरोब का डिज़ाइन है, वॉशरूम के डोर तक का डिज़ाइन है, ये सारा एक बेडरूम के थीम को रिप्रेजेंट करता है। सो
दैट इज वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन वी आर प्लानिंग फॉर द इंटीरियर, सो आप आपके डोर्स के जो लाइक एग्जिस्टिंग जो भी डोर्स है उसके लैमिनेट चेंज के लिए भी प्लान आउट करो, सो दैट इट शुड गिव अ प्रॉपर थीम टुवर्ड्स द बेडरूम जो भी आप प्लान आउट कर रहे हो. सो दिस इज अ डोर एंड यहाँ पे ही टीवी यूनिट के लिए छोटा सा शेल्फ यूनिट दिया हुआ है, सो दैट यहाँ पे उनका यूनिट आ सके. एक शेल्फ दिया हुआ है, दे कैन हाईलाइट देयर स्टेप अगर उनको हाईलाइट करना है उस हिसाब से. एंड यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डर ने एक निश एरिया दिया हुआ था जहाँ पे ये स्लाइडिंग वार्डरोब वी हैव प्लान्ड. एंड उसी के साथ इफ यू विल सी यहाँ पे वाला जो वॉल है, यहाँ पे ऑलरेडी बीम आ रहा था तो एक खांचा मिल रहा था हमें, उसको भी पैक किया हुआ है. उसके साथ ही जो है यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट प्लान आउट किया हुआ है, सो उसी निश को हमने यूज कर लिया है एज अ ड्रेसिंग यूनिट. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेस, आप उसको किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट द मास्टर बेडरूम गाइस. नाउ आई विल टेक यू टू द किड्स बेडरूम जहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंजेस हुआ है अगेन एज सेट, कि यहाँ पे हमारा पहले से ही थीम क्लियर था कि उन्हें वाइट बैकग्राउंड के साथ ही जाना हर जगह. सिर्फ हमने हर एक जगह पे थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव कलर्स यूज कर लिए, जैसे यहाँ पे हेडरेस्ट और फैब्रिक बेड है वो ग्रीन कलर में यूज किया हुआ है. साइमल्टेनियसली इन द लिविंग इट इज पिच कलर विच हैज बीन यूज, लाइक पिच एंड पिंकिश कलर हैज बीन यूज. एंड इन द किड्स बेडरूम इट इज अ ब्लू कलर शेड. सो नाउ आई विल टेक यू टू द किड्स बेडरूम. सो दिस इज अ किड्स बेडरूम गाइस. किड्स बेडरूम में एज आई हैव सेड कि बेडरूम साइज काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट थी, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीजों को फील करना था. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो है वी हैव प्लान्ड अ स्टडी टेबल एंड उसके साथ सारा स्टोरेज जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, बैग्स बुक्स हर एक चीज़ रखने के लिए वो है. एंड ये वाला साइड जो है अगेन यहाँ पे बिल्डर ने हमें खांचा दिया हुआ था जहाँ पे वी कैन प्लान अ वार्डरोब. एंड ये जो वार्डरोब देख रहे हो ये पूरा बैक प्रिंटेड फिनिश में बनाया हुआ है. एंड दिस इज अ प्रिंटेड डोर एक्चुअली जिसके अंदर उन्हें एस्ट्रोनॉट का थीम चाहिए था, तो वी हैव प्लानिंग इन दैट वे. सो दिस इज अ बैक प्रिंटेड स्लाइडिंग वार्डरोब. एंड यहाँ पे एक चीज़ एक थोड़े से डिफरेंट की हुई है हमने बेसिकली. सो जो ब्रीफ किया हुआ था क्लाइंट के थ्रू आउट भी एंड हमारे साथ जो भी डिस्कशन हुआ था, तो उसमें एक था कि उनको थोड़ा सा डे एंड नाइट का जो व्यू दिखाई देता है शुड बी देयर इन द रूम, सो दैट वो अच्छा लगे थीम के हिसाब से मैच हो. सो दैट इज़ वी हैव प्लान्ड ऑप्टिकल फाइबर लाइट्स. ये फिलहाल लाइट बंद होने पर ही पता चलेगा, सो मैं लाइट बंद करती हूँ आपको दिखाने के लिए. सो ये ऑप्टिकल फाइबर लाइट होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइट जो एज अ गैलेक्सी थीम आपको प्रोवाइड करता है. सो अगर आप भी किड्स बेडरूम प्लान आउट कर रहे हो या फिर आपके खुद के बेडरूम में प्लान आउट कर रहे हो, सो यू कैन ऑल्सो प्लान आउट सच काइंड ऑफ लाइट. सो गाइज यू हैव सीन द वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हाउस टूर का, कैसा लगा ये कॉम्पैक्ट 2 BHK का वीडियो टूर. एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट एवरी नोटिफिकेशन शुड कम टू यू फर्स्टली, सो दैट यू कैन सी माई वीडियोज. एंड अगर इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर योर इंटीरियर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर इंटीरियर बिकॉज इंटीरियर के लिए वी आर डूइंग पैन मुंबई जहाँ पे हम आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो प्लान योर इंटीरियर फ्रॉम अस एंड यू कैन ऑल्सो take a consultancy from us. Thank you so much for watching the video.